वोट लेकर आम आदमी की ताकत को कैसे सत्ताधारी भूल जाते हैं, यह समझने के लिए आपको तेल की महंगाई से जुड़ी यह खबर भी देखनी होगी। जहां एक मंत्री जी को लगता है कि तेल के बढ़ते दामों की चिंता वो क्यों करें, क्योंकि उन्हें तो फोकट में जनता के पैसों से आने जाने का खर्च पानी मिल ही जाता है। सैम जी परेशान है कि बिजली इसके पेट्रोल डीजल के दामों से? नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, क्योंकि मैं मंत्री हूँ तो मुझे फोकट में डीजल मिलता है। सही सुना आपने, मंत्री जी को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके समेत देश के सभी सांसदों को मोटी सैलरी और यात्राओं के लिए मोटा भत्ता मिलता है। विमान से जाना हो तो कुल किराए का सिर्फ 25% ही देना होता है। ट्रेन से जाना हो तो फर्स्ट क्लास एसी में मुफ्त सफर की सुविधा मिलती है। सड़क से जाना हो तो 16 रुपए प्रति किलोमीटर यात्रा भत्ता सांसद जी को तो सरकार हमारे आपके जनता के टैक्स के पैसे से दे देती है। इसीलिए पेट्रोल डीजल चाहे जितना चढ़े, रोज चढ़े, पर सांसद या मंत्री जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जनता को पड़ता है मंत्री रामदास आठवले जी, क्योंकि पेट्रोल डीजल की महंगाई जनता को खून के आंसू रुला रही है। दिल्ली में फिर पेट्रोल महंगा होकर 82 रुपए के पार जा चुका है और डीजल 73 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर का हो गया, जबकि मुंबई समेत महाराष्ट्र के 13 शहरों में पेट्रोल 90 रुपए के करीब या इसके ऊपर जा चुका है। अब जाकर कर्नाटक में कांग्रेस समर्थित कुमार स्वामी सरकार ने 2 रुपए की राहत प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल पर अपनी जनता को दी है टैक्स में कमी करके, जबकि बीजेपी शासित सिर्फ राजस्थान ने ही पेट्रोल से 4% वैट घटाया है, तो पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में भी दाम कुछ कम हुए, पर बाकी राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम जनता को खून के आंसू ही रुला रहे हैं। एबीपी न्यूज तेल पर कमाई करती सरकारों की घंटी बजाकर कई महीनों से ये मांग कर रहा है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। 4 राज्यों की तरह देश के बाकी राज्य और केंद्र भी अपने अपने टैक्स में कटौती करें, ताकि महंगाई की चक्की में पिसती जनता को राहत मिल सके, जिसके लिए आपको फिर घंटी आज बजानी है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।